हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कंटेंट बताने जा रहा हूँ वो काफी सिंपल और बहुत इजी भी है। अगर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ हो तो भी आप यहाँ पे पार्ट टाइम काम करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना। अगर आप इस कंटेंट पे, इस आइडिया पे सिर्फ 3 महीने काम करते हो, यहाँ पे रेगुलर वीडियो को अपलोड करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो 3 महीने में ही आपकी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया गेस्ट पजल, तो आप देख सकते हो बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ चुकी है। इस वीडियो पे आप देख सकते हो 15 मिलियन व्यू है, यहाँ पे इस वीडियो पे देख सकते हो 1.2 मिलियन व्यू है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो सारी वीडियो पे मिलियंस में व्यू है। इस वीडियो पे आप यहाँ पे देख सकते हो 4.5 मिलियन व्यू है, सारी वीडियो पे यहाँ पे मिलियंस में व्यू चला जाता है। इस तरह की वीडियो पे मिलियंस में व्यू जाता है। इस वीडियो पे आप देख सकते हो 3.1 मिलियन, यहाँ पे देख सकते हो 2.4 मिलियन, 12 मिलियन, 2.2 मिलियन, सारी वीडियो पे देख सकते हो मिलियंस में व्यू जा रहा है। इस तरह की वीडियो पे मिलियंस में व्यू जाता है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आप लोगों को एक चैनल दिखा देता हूँ जो ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैन प्लस गो मैंगो, इसी तरीके का आपको ट्रिकी क्वेश्चन बनाना है। इस तरह की वीडियो को आप कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने यूट्यूब पे एक वीडियो भी अपलोड नहीं किया और आपको कुछ भी नहीं पता कि कैसे एडिटिंग होता है, कैसे वीडियो को अपलोड किया जाता है, तो भी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप इस तरीके की वीडियो को यहाँ पे बना सकते हो और यहाँ से काफी अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हो। इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं, सारा कुछ आप मोबाइल फोन से कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एकदम सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो का बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना है, क्रोम को ओपन करना। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है pixels.com। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लूप बैकग्राउंड ब्लू इमेज पैटर्न। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी वीडियो आ चुकी है। इस वेबसाइट से आप किसी भी वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी वीडियो आ चुकी है, तो मैं देख लेता हूँ, जो भी अच्छा लगे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। ये वाला बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है तो इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने वीडियो के बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे और भी मटेरियल चाहिए, इसके लिए फिर से आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज को डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था मैन प्लस गो मैंगो, इसी तरीके से मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ की प्लस वी कीवी, तो इसके लिए यहाँ पे की के इमेज को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ की इमेज, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी इमेज आ चुकी है। यहाँ से आपको इमेज को डाउनलोड कर लेना है, तो इस इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। की इमेज को मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। फिर से मैं गूगल पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कीवी इमेज पीएनजी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी इमेज आ चुकी है। यहाँ से मैं कीवी की इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, तभी तो बनेगा की प्लस वी कीवी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कीवी की इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको भी वीडियो बनाने के लिए जो भी इमेज चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पे आना और सर्च करना रिमूव बीजी। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, अभी जो मैंने की के इमेज को डाउनलोड किया था, यहाँ से इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना। तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज को अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से मैं दूसरी इमेजेस के बैकग्राउंड को भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इमेजेस लेना है जिसका भी आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं की के इमेज को ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे की का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो अब आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास सारा मटेरियल आ चुका है, तो अब वीडियो को एडिट करना है। आज मैं आपको जो कॉन्टेंट और वीडियो बनाना सिखाऊंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो बहुत कुछ आप यहाँ से नया सीखोगे, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो मेरी अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को एडिट करने के लिए मैं कैनमास्टर का यूज कर रहा हूँ, आप किसी और ऐप का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं कैनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब की वीडियो के लिए यहाँ पे 16:9 के रेशियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। अभी जो मैंने बैकग्राउंड को डाउनलोड किया था यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड आ चुका है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसका डुप्लीकेट कर लेना है। आपको यहाँ पे जितनी बड़ी भी वीडियो को बनानी है उतना ही आपको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है। मैंने डुप्लीकेट कर लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मिनट के आसपास की यहाँ पे वीडियो बनेगी। अब मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक, मैंने जो की इमेज को डाउनलोड किया था यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे की इमेज आ चुकी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे की इमेज आ चुकी है। तो मैं इसको सही तरीके से यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट करके लगा दिया। तो अब आपको क्या करना, फिर से लेयर पे क्लिक करना। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं प्लस का आइकन ले लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेड कलर मैं ले लेता हूँ। आउटलाइन भी यहाँ पे दे देता हूँ। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आउटलाइन पे आपको क्लिक करना। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद इसको एनेबल कर देना। उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैं व्हाइट कलर रख लेता हूँ और इसके रेशियो को मैं यहाँ पे 3 पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक करता हूँ। लेयर पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना।
टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे वी को ले लेता हूँ। वी को मैंने ले लिया, तो अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इस तरीके से जूम कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद इसके आउटलाइन को, नीचे आने के बाद आउटलाइन पे क्लिक करना, आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद इसको एनेबल कर देना और इसके रेशियो को यहाँ पे मैं 4 पे रख लेता हूँ। आउटलाइन के कलर को भी मैं यहाँ पे व्हाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करना, स्टिकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ये वाला स्टिकर को यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर में इस तरीके से यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करना, लेयर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, उसके बाद इसके कलर को भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ। अब आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना, यहाँ से मैं येलो इमेज को ले लेता हूँ, मैं यहाँ से येलो इमेज को ले लेता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इस तरीके से मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद क्रॉपिंग पे क्लिक करना है, क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा लेना है। लगाने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे आपको क्लिक कर देना, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये इसके पीछे आ जाएगा और मैं इसको एडजस्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके ऊपर अब यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेस द फ्रूट नेम, मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरीके से। अब इसके फॉन्ट को चेंज करना, तो यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं रेड कलर को ले लेता हूँ। अब इसमें आउटलाइन लगा लेता हूँ, तो नीचे आने के बाद आउटलाइन पे आपको क्लिक करना, आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद इसको एनेबल कर लेना और इसको यहाँ पे 10 पे मैं कर लेता हूँ, इस तरीके से मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ यहाँ पे और इसको 10 पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे वी का कलर व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको येलो कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब अच्छा लग रहा है। अब मैं ऊपर के लेयर के कलर को भी चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको रेड कर लेता हूँ और इसके टेक्स्ट को मैं येलो कर लेता हूँ, इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे कर लेना है। अब थोड़ा सा मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना, तो आपको सारी इमेजेस पे क्लिक करना, ठीक है। इमेजेस पे आपको क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लगता हो यहाँ पे ले लेना। तो मैं यहाँ पे पॉप ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा से एनिमेट हो रहा है। इसी तरीके से मैं सबको एनिमेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जिसको भी एनिमेट कराना है उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करने के बाद आपको इन एनिमेशन पे क्लिक करना, यहाँ से आपको जो भी एनिमेशन अच्छा लगता हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सारे में एनिमेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो काफी अच्छी लग रही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइमर को लगाना और म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक के लिए आपको गूगल पे चले जाना और सर्च करना यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से आपको म्यूजिक को डाउनलोड कर लेना है। और टाइमर के लिए आपको यूट्यूब पे आना और सर्च करना टाइमर ग्रीन स्क्रीन, तो आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, यहाँ से आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको वीडियो को कैसे डाउनलोड करना, तो आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना, शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी कर लेना, लिंक को कॉपी कर लेना, लिंक को कॉपी करने के बाद आपको क्रोम को ओपन करना है, क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना यूट्यूब वीडियो डाउनलोड। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है और यहाँ पे आपको लिंक को पेस्ट कर देना, वीडियो के लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अब मैं काइन मास्टर पे आ चुका हूँ, अभी जो मैंने टाइमर को डाउनलोड किया यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो लेयर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से मैं टाइमर को ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको क्रोमा की पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको एनेबल कर देना और यहाँ पे आपको 23 से 24 के बीच में रख लेना है, इस तरीके से। अब मैं एडजस्ट करके यहाँ पे इसको बीच में लगा लेता हूँ। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमर चल रहा और सारी इमेजेस गैप है। तो अब आपको क्या करना है, सारी इमेजेस पे आपको क्लिक करना है, एक एक इमेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ तक लाना है, इस तरीके से आपको सारी इमेजेस को इसके बराबर में ले आना है। इमेज पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना है और यहाँ पे इसके बराबर कर लेना है। इसी तरीके से सारी इमेजेस को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सारे में एनिमेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करने के बाद कीवी की इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट करके मैंने लगा दिया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, कीवी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा लेता हूँ। इसके फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला फॉन्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसके कलर को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं येलो कलर ले लेता हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। जैसे ही यहाँ पे टाइमर का टाइम खत्म होता है वहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट दे देना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे की प्लस वी कीवी, यहाँ पे मैंने फाइनल रिजल्ट कीवी की इमेज को डाल दिया और यहाँ पे आपको वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोल देना है कीवी, बस इतना ही आपको यहाँ पे वॉइस को रिकॉर्ड करना है। अब फिर से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ।
कीवी। यहाँ पे आप देख सकते हो कीवी का जो इमेज है बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसको यहाँ पे काट लेता हूँ। तो इस पर आपको क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रिम पे क्लिक करना है, ट्रिम पे क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट पे क्लिक कर देना। इसी तरीके से मैं टेक्स्ट को भी काट लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नंबर बन चुका है, आप दूसरा नंबर बनाना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा बनाने वाला हूँ गेस द एक्ट्रेस नेम। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कैट प्लस ट्री प्लस ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बिल्ली चाहिए, उसके बाद एक पेड़ चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, एन ए चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको लेयर पे क्लिक करना, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टिकर ले लेना, और इस स्टिकर को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे दो नंबर लिख लेता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। और इसके कलर को मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ और फिर से लेयर पे क्लिक करता हूँ। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कैट की इमेज को ले लेता हूँ, मैंने डाउनलोड किया हुआ था, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ। और फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं प्लस के आइकन को ले लेता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसके आउटलाइन को मैं रेड कर लेता हूँ, प्लस को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। थ्री आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो डुप्लीकेट हो चुका है, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। अब लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ट्री को ले लेता हूँ, ट्री को भी मैंने डाउनलोड किया हुआ था, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे प्लस के कलर को मैं रेड कर लेता हूँ। और यहाँ पे नीचे आने के बाद आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं आउटलाइन को वाइट कर लेता हूँ, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर से लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एन ए लिख लेता हूँ, तो कैट प्लस ट्री प्लस ना कैटरीना हो जाएगा। और इसके कलर को मैं यहाँ पे येल्लो कर लेता हूँ। और फिर से यहाँ पे लेयर पे क्लिक करने के बाद, मीडिया पे क्लिक करने के बाद इमेज एसेट से यहाँ पे मैं येल्लो कलर वाला इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर को ले लिया, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद क्या करता हूँ, इसके पीछे यहाँ पे लगा लेता हूँ। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करने के बाद इसको पीछे लगा लेता हूँ और इसके कलर को यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेस द एक्ट्रेस नेम, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसके कलर को भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और इसके फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये वाला फॉन्ट यहाँ से ले लेता हूँ। अब इसमें आउटलाइन दे देता हूँ, तो नीचे आने के बाद आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ब्लैक आउटलाइन रहने देता हूँ और इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बन चुका है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रेड लाइन को बीच में ले आना। बीच में लाने के बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से मैं टाइमर को ले लेता हूँ। और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद इसको एनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे इसको 50 पे कर लेता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरीके से। अब प्ले करके देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमर चल रहा और इमेजेस गायब है। तो यहाँ पे आपको सारे को इसके बराबर में कर लेना है। सारी इमेजेस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको इसके बराबर में कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको इसके बराबर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब प्ले करता हूँ। यहाँ पे कैट प्लस ट्री प्लस ना कैटरीना हो गया। तो यहाँ से लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इमेज ले लेता हूँ कैटरीना की और यहाँ पे लगा लेता हूँ। और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, कैटरीना लिख देता हूँ। और इसके कलर को येल्लो कर लेता हूँ और नीचे आने के बाद इसके बैकग्राउंड को एनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो बन चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारा पार्ट एक्स्ट्रा, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। इस बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको ट्रिम पे क्लिक करना, और ट्रिम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ट्रिम टू राइट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो कट चुकी है वीडियो। अब आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना है। फ्री म्यूजिक के लिए आपको गूगल पे जाना और सर्च करना यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, वहां से आपको फ्री म्यूजिक को डाउनलोड कर लेना है। मैंने म्यूजिक को डाउनलोड किया हुआ था, ऑडियो पे क्लिक करके मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने छोटी वीडियो बनाई। आपको यहाँ पे वीडियो के लेंथ को 5 से 6 मिनट का रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूजिक आ चुकी है। तो इस म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद मिक्सर पे क्लिक करना और इसके वॉइस को थोड़ा कम कर देना, इसके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लेता हूँ, यहाँ पे 50 पे रख लेता हूँ। अब म्यूजिक का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर लेता हूँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, ट्रिम पे क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कट चुकी है म्यूजिक। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कीवी, कैटरीना। अब आपकी वीडियो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 1080 पे वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आप इस कंटेंट पे, इस आइडिया पे काम करते हो तो यहाँ पे कंटेंट की कभी भी कमी नहीं पड़ने वाली है। इसके लिए आपको सारा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना गेस द एक्ट्रेस नेम, गेस द क्रिकेटर्स नेम, गेस द फुटबॉलर ने, बहुत सा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको बस देखना है कि जो भी वीडियो वायरल हो उसी पे आपको वीडियो को बना लेना है। और इस तरह की वीडियो पे लाखों में, मिलियंस में व्यू रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरीके की और भी वीडियो को देखने के लिए भाई के चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।